बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजीन, पाकिस्तान टाइम्स में खुशामदीद। तहरीकी इंसाफ छोड़ने के बाद आयशा गुलाली को पहली कामयाबी मिल गई, इमरान खान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें। एपलेट ट्रिब्यूनल ने NA 53 के अरवा का फैसला मुस्तरद करते हुए आयशा गुलाली को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। तफसीलात के मुताबिक NA 53 से आयशा गुलाली की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने केस की समाअत की। इस मौके पर आयशा गुलाली का कहना था कि अराफ ने हकायक के बरक्स मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। अदालत ने NA 53 के अराफ का फैसला कालदम करार देते हुए आयशा गुलाली को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।